तो क्या आप इस बारे में जानते हैं कि जो रेल की पटरी होती हैं आखिर में उनमें कभी भी जंग क्यों नहीं लगता है और यह इतना ज़्यादा मजबूत कैसे होती हैं? तो आपके मन में इस तरह का सवाल कभी ना कभी ज़रूर आया होगा कि रेल की पटरी में आखिर जंग क्यों नहीं लगता है या फिर रेल की पटरी जो होती है वह इतना मजबूत कैसे हो पाती हैं। तो बेशक कुछ लोगों के दिमाग में इसका एक ही आंसर आया होगा कि रेल की जो पटरी होती है वह बहुत मोटी होती है और ज़्यादा मोटी होने के कारण वह मजबूत होती है और उसमें लगातार उसके ऊपर से ट्रेन चलती रहती हैं जिसके वजह से उसमें जंग यानी कि रस्ट नहीं लग पाता है, यानी कि ट्रेन के चलने के कारण ही उसमें जंग नहीं लग पाता है। लेकिन हम आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता देते हैं कि रेल की जो पटरी होती है उसके बनाने के लिए स्टील का यूज़ किया जाता है, यानी कि स्टील के यूसेज से ये पटरियाँ बनती हैं। लेकिन जो ट्रेन्स होती हैं उनकी पटरी बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला जो स्टील होता है वह कोई नॉर्मल स्टील नहीं होता है, यानी कि एक बहुत ही डिफरेंट स्टील यह होता है जिससे कि रेल की पटरियाँ बनाई जाती हैं। तो ट्रेन की पटरी को बनाने के लिए इस्तेमाल में लिए जाने वाला जो स्टील होता है यानी कि जिस स्टील से ट्रेन की पटरी को बनाया जाता है वह जो स्टील होता है सबसे पहले उसकी मजबूती देखी जाती है और उसकी जंग प्रतिरोधक क्षमता या फिर रस्ट रेजिस्टेंस कैपेसिटी को देखा जाता है और उसके बाद ही उससे पटरी को बनाया जाता है, यानी कि वह जिस स्टील से पटरी को बनाया जा रहा है वह मजबूत भी हो और उसमें जल्दी जंग भी ना लगे। और आमतौर पर यानी कि इन जनरल रेलवे लाइंस को बनाने के लिए हेड फिल्ड मैग्नेस स्टील का यूज़ किया जाता है और मैग्नेस स्टील वह स्टील होता है जिसमें कि मैग्नीस को कंपोजिट किया जाता है या फिर मिलाया जाता है और यह एक तरह का अलॉय होता है और बिल्कुल ही स्टील की तरह है। इसमें यह खासियत होती है कि इसमें जंग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि इसमें जल्दी जंग नहीं लगता है और इसमें 12-15% यानी कि 12-15% मैग्नीस को कंपोजिट किया जाता है या फिर मिलाया जाता है, यानी कि इसमें मैग्नीस को 12-15% मिलाया जाता है और फिर ये स्टील बनाया जाता है। और ट्रेन की पटरी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इसमें कार्बन स्टील का यूसेज किया जाता है जिसमें कि 0.7-0.8% कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो अलॉय हमारा स्टील बनाने में यूज़ होता है उस पूरे अलॉय में 0.7-0.8% कार्बन कंपोजिट कर दिया जाता है जिसके वजह से हमारा जो स्टील वाला अलॉय होता है वह मजबूत हो जाता है और ओवरऑल हमारी जो पटरी होती है वह मजबूत होती है। और इसके अलावा और भी कई सारे एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं उस पटरी में जिसकी वजह से वह पटरी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो अब आपको इस बात का असली कारण पता चल गया होगा कि हमारी जो ट्रेन की पटरियाँ होती हैं आखिर उनमें कभी भी रस्ट यानी कि जंग क्यों नहीं लगता है और वो इतनी ज़्यादा मजबूत और ड्यूरेबल कैसे हो पाती हैं। और इसके साथ ही आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हमारे जो मालगाड़ियों के डिब्बे होते हैं वह भी तो इसी चीज़ से बने हुए होते हैं, तो फिर उनमें भी कभी जंग क्यों नहीं लगता है? तो जो मालगाड़ियों के डिब्बे होते हैं वह सिर्फ लोहे से नहीं बने हुए होते हैं, उनमें जो अलॉय यूज़ होता है वह स्टील के जैसा ही होता है। तो उसमें जो अलॉय यूज़ किया जाता है वह स्टील और कॉपर के मिक्सचर से उन्हें बनाया जाता है, यानी कि जैसा कि आपको इस बारे में पता है कि जो कॉपर होता है उसमें रस्ट के रेजिस्टेंस की अच्छी कैपेसिटी होती है, यानी कि उसमें जंग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि कॉपर में कभी जंग नहीं लगता है। यानी कि जैसे आपने कभी ना कभी तांबा देखा होगा तो तांबा जो होता है उसमें कभी भी जंग नहीं लगता है, तो उसकी ये प्रॉपर्टी होती है। तो कॉपर की इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम जब उस अलॉय मिक्स कर देते हैं जिससे कि हम टैंकर्स को बनाते हैं, यानी कि जो टैंकर्स में यूज़ होने वाला जो स्टील होता है उसमें हम कॉपर को ऐड कर देते हैं और कॉपर को ऐड करने की वजह से जो मालगाड़ियों के डिब्बे होते हैं वह मजबूत हो जाते हैं और कॉपर की प्रॉपर्टी की वजह से उनमें जंग नहीं लगता है। यानी कि जब कॉपर में जंग नहीं लगता है और कॉपर के साथ ही जब स्टील मिक्स होता है तो उसमें भी जंग नहीं लग पाता है, तो ओवरऑल जो हमारे जो टैंकर्स होते हैं यानी कि जो मालगाड़ियों के डिब्बे यूज़ होते हैं वे ओवरऑल मजबूत हो जाते हैं और उसी की वजह से उनमें जंग भी नहीं लगता। और जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि हमारे एनवायरनमेंट में या फिर वातावरण में मॉइस्चर लेवल या फिर नमी जो होती है वह ज़्यादा हो जाती है, तो नमी जब ज़्यादा हो जाती है तो हमारे जो जंग लगने के चांसेस होते हैं वे ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस चांसेस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उन टैंकर्स में बाहर से पेंट कर देते हैं, तो पेंट की वजह से जो आउटर कंडीशन होती हैं वह अफेक्ट नहीं कर पाती हैं टैंकर्स को, यानी कि जो नमी होती है वह उन टैंकर्स के अंदर नहीं जा पाती है और बाहरी सतह से भी उनमें जंग नहीं लग पाता है, यानी कि जो भी थोड़ा बहुत चांसेस रहते हैं वह भी ख़त्म हो जाते हैं।